हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनफिनिटी। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी आरआरबी पीओ की कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैंने प्रीवियस टू इयर्स का डेटा लिया है, उनकी वैकेंसीज को एनालाइज किया है और अब की बार की वैकेंसीज को एनालाइज किया, उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी कि इस साल कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रीवियस ईयर की। लास्ट ईयर यानी 2022 में आपकी वैकेंसीज थी 2700 के आसपास और जो कट ऑफ गई थी स्टेट वाइज वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। तो आप देख सकते हो इधर हरियाणा में 61.75 कट ऑफ गई है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम आती है हरियाणा में, तो उस हिसाब से आप बाकी स्टेट्स की, जो भी स्टेट में आप हो उस स्टेट की आप कट ऑफ देख सकते हो कितनी कितनी गई है। बात करते हैं 2021 की, तो 2021 में 4700 वैकेंसीज आई थी, 2022 से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो उस हिसाब से अब आप कट ऑफ देख लीजिए कितनी कितनी गई है स्टेट वाइज, जो भी स्टेट की आपको देखनी है। तो इसमें हरियाणा की बता देती हूँ मैं, हरियाणा की 59.5 गई है। तो हमने ये देखा कि 2000 से 4000 के बीच में जो वैकेंसीज आई हैं तो कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, 59 से 62 के रेंज में ही आपकी कट ऑफ रही है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम होती है। जितने हरियाणा से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। अब हम बात करते हैं इस साल की, तो इस साल की वैकेंसीज लास्ट टू ईयर से भी कम है, 2500 तक आपकी वैकेंसीज है इस साल आरआरबी पीओ की, जिसमें ये वैकेंसीज स्टेट वाइज डिवाइड हो जाती हैं। और आप सभी को पता है कि जो कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की कट ऑफ कम जाती है एज कम्पेयर टू हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी कम वैकेंसीज आती है। तो जब 2022 में 2700 के आसपास सबकी वैकेंसीज थी, तब आपकी कट ऑफ गई थी हरियाणा की 61.75। मैं हरियाणा को लेके बता रही हूँ, अपने स्टेट का अपने आप देख लेना, ठीक है। तो 61.75 गई थी जब 2759 वैकेंसीज थी, लेकिन इस साल तो उससे भी कम वैकेंसीज है, साल वैकेंसीज है 2529। तो जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी, मैंने इसका बहुत कम रेंज रखा है, क्योंकि जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर का देखा सब में मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कट ऑफ में, कुछ चार पाँच नंबर का ही डिफरेंस है। और साथ के साथ सारी कैटेगरीज की कट ऑफ इंटरनेट पे नहीं अवेलेबल जो प्रीवियस ईयर की है, हर एक कैटेगरी की नहीं दे रखी। तो मैं यूआर को ही बेस लेकर बाकी सारी कैटेगरी का आपको एक आइडिया बता दूंगी। तो बिहार की सबसे पहले बात करते हैं, तो बिहार में यूआर की 55 से 57 तक कट ऑफ जानी चाहिए, ओबीसी की भी इतनी ही जाएगी। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का अभी मेरे पास डाटा नहीं है प्रीवियस ईयर का, तो अगर आपको अगर आइडिया लेना है, एक से स्कोर लेना है, तो आप यूआर के हिसाब से देख सकते हैं, ओबीसी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। 2-3-4 नंबर का आप मार्जिन रख लीजिए, कम से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ठीक है यूआर की इतनी कट ऑफ हुई है तो बाकियों की इतनी इतनी जाएगी। हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में 60 से 62 तक कट ऑफ जानी चाहिए, ओबीसी की जानी चाहिए 59 से 61, एससी की जानी चाहिए 56 से 58 एंड एसटी की जानी चाहिए 47 से 49। कर्नाटका में 34 से 36 यूआर की, ओबीसी की 33 से 35, एससी की 30 से 32, केरला में 54 से 56 यूआर की, 52 से 54 ओबीसी की, मध्य प्रदेश में 52 से 54 यूआर की, ओबीसी की है 52 से 54 सेम, एसटी की है 40 से 42, महाराष्ट्र की 47 से 49 यूआर, ओबीसी की भी सेम रहेगी एंड एसटी की 39 से 41, यूपी की रहेगी 56 से लेके 58 तक, ओबीसी की सेम रहेगी जनरल से, एसटी की रहेगी 45 से 47 तक, ईडब्ल्यूएस की रहेगी 56 से 58 तक, वेस्ट बंगाल में 57 से 59 यूआर और ओबीसी की रहेगी 54 से 56 एंड ईडब्ल्यूएस की रहेगी 53 से 55। मेरे हिसाब से आपकी इसी रेंज के अंदर कट ऑफ जानी चाहिए, जैसे कि कई शिफ्ट्स मुश्किल होती हैं, कई इसी होती है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाती है आपकी, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए आपकी स्टेट में कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैंने सारी स्टेट नहीं ली है, जितनी मतलब वैकेंसीज आती है मोस्टली जिन स्टेट्स में, मैंने उन्हीं स्टेट्स को लिया है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स आई थिंक इन स्टेट्स में कवर हो जाएंगे। तो गाइज, मैंने कट ऑफ टोटली प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही बनाई है, आप सारे ईयर्स की कट ऑफ उठा के देख लीजिए, सब में इसी की रेंज पे ही कट ऑफ कही है। और साथ ही साथ 2022 से वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो मैंने मोस्टली उसी को ही देख के बनाई है।
अब आप बोलेंगे कि कर्नाटका की इतनी कम कट ऑफ कैसे है, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा होती है इसलिए कट ऑफ मैंने कम रखी है। आप 2022 में भी देख लीजिए 36 कट ऑफ गई है UR की कर्नाटका में। तो गाइज अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको किसी कैटेगरी की जाननी है जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और साथ में स्टेट बता देना, कैटेगरी बता देना, ताकि मुझे आसानी हो कट ऑफ बताने के लिए। सो गाइज अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब जब कट ऑफ आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा प्री का, तो मैं आपको बताऊंगी कि ठीक है कितना एक्यूरेट रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।